इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं factorial Notation. Factorial Notation, है, है. न्युन, फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज हाईली यूजफुल इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसकी जरूरत हमको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पड़ती है लेट अस ले डाउन द फाउंडेशन जो फैक्टोरियल नोटेशन है ये फाउंडेशन है एक कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्टली हाउ फैक्टोरियल इज रिटर्न फैक्टोरियल इसको लिखने का तरीका इट इज रिटर्न एज ये सिंबल इसके लिए यूज करते हैं या इस तरह का सिंबल यूज करेंगे और इसके अंदर फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड इन सेइंग एन फैक्टोरियल वी कैन राइट इट लाइक दिस इट अगेन मींस एन फैक्टोरियल दिस इज फैक्टोरियल दिस इज अगेन फैक्टोरियल जब इसके अंदर एन है तो इसका मतलब फैक्टोरियल है. अब इस एब्रीवेशन को लिखते कैसे हैं? हाउ टू राइट इट एन फैक्टोरियल इज रिटन एज अ प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट एन उसके बाद वाली टर्म एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और ये प्रोडक्ट कहां तक जाएगा इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो इस प्रोडक्ट की जो लास्ट टर्म होगी दैट विल बी वन तो ये फैक्टोरियल नोटेशन है एक एग्जांपल एक लेते हैं एग्जांपल से इज सेवन फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन इसका प्रोडक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज सेवन फैक्टोरियल फॉर एग्जाम्पल थ्री फैक्टोरियल लेते हैं थ्री फैक्टोरियल मीन्स थ्री इंटू टू इंटू वन द रिजल्ट इज सिक्स सिमिलरली टू फैक्टोरियल इट इज टू इंटू वन द रिजल्ट इज टू देन वन फैक्टोरियल इट इज वन इंटू वन वन फैक्टोरियल इज वन द रिजल्ट इज वन तो फैक्टोरियल नोटेशन है क्या फैक्टोरियल नोटेशन एक तरीका है लिखने का कि हाउ टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम से वन टू एन एक से लेकर एन तक नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन एग्जांपल्स हमने लिए वन टू सेवन किस तरीके से लिखना है थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल हमको किस तरीके से लिखना है एंड एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो एन है ना जनरल एब्रीविएशन है दिस एन बिलोंग्स टू होल नंबर्स दिस इज इंपॉर्टेंट माइनस वन फैक्टोरियल नहीं चलेगा नो माइनस वन फैक्टोरियल नहीं होगा जीरो फैक्टोरियल होगा एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल इट इज वन जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है लेटर डिराइव कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन कैसे आई हम प्रोडक्ट तो ले रहे हैं कि प्रोडक्ट वन तक आएगा लेकिन जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन कैसे आ गई लेटेस्ट एक कि इसका जो सोलूशन है जीरो फैक्टोरियल का वो वन कैसे आए दिस इज हाउ फैक्टोरियल इज रिटर्न अब हमको निकालना है कि जीरो फैक्टोरियल वन कैसे हुआ वन फैक्टोरियल तक तो हमारे लिए सब क्लियर है कि वन फैक्टोरियल वन है इज टू फैक्टोरियल टू इन वन है जी लेकिन ये जीरो फैक्टोरियल वन कैसे हुआ लेटेस्ट सी यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं पहले इस जनरल एक्सप्रेशन से हमको कोई फॉर्मूला मिलता है कि नहीं मिलता है हम क्या करते हैं इस पार्ट को अलग कर देते हैं इस पार्ट को अलग करते हैं और जब हमने इस पार्ट को अलग एक जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम हियर एज वेल एक एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम यहां से यही एक्सप्रेशन के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं और यही एक्सप्रेशन हमको अलग अलग चीजें देगा यहां ध्यान से देखते हैं कि एन से बाकी चीजें अलग कर दी और जब हम बाकी चीजों को देखेंगे It can be written as n minus 1 factorial. 1 into 2 into 3, all up to n minus 2 into n minus 1 means n minus 1 factorial. n is set. Now, we can find the value of n from here. Here, n key value of n n factorial upon n minus 1 factorial. This is important formula. If we n key value, we can find using this formula as n factorial. डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल अब जब डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं किसी एक्सप्रेशन के ऊपर वी गेट डिफरेंट फॉर्मूले यहां पर भी वही चीज है कि अलग अलग ऑपरेशन जब हम करते रहेंगे क्या क्या चीजें हमको मिलती रहेगी अगर मान लीजिए यहां पर एन की वैल्यू हो जाए वन पुट एन इज इक्वल टू वन देखते हैं क्या मिलता है एन की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं जी वट वी विल गेट वी विल गेट वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू वन जीरो फैक्टोरियल हम जीरो फैक्टोरियल को डिराइव कर रहे हैं यहां पे. तो वन फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू वन इट इज इक्वल टू वन इंटू जीरो फैक्टोरियल सो वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल इज वन अपॉन वन इट मीनस जीरो फैक्टोरियल दिस इज द वैल्यू कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन कैसे आई जब एक एक्सप्रेशन के ऊपर हमने अलग अलग ऑपरेशन किए तो यहां से क्लियर बता रहा है कि जब फैक्टोरियल नोटेशन के लिए दिस इज द जनरल वे टू राइट इट इसको लिखने का जनरल तरीका यह है लेकिन इस जनरल तरीके में जब हम डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे इन दैट केस उस केस में क्या हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी वन सो दिस इज फैक्टोरियल नोटेशन लेटस टेक फ्यू क्वेश्चन और एल्जेब्रिक तरीका वही है जो तरीका हम करते आ रहे कि हाउ टू टेक एल्सियम हाउ टू एड हाउ टू सब्रैक्ट नोटेशन को एक्सप्रेस करना है चाहे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और एक और चीज फैक्टोरियल नोटेशन को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है टू सिंपलीफाई आवर कैलकुलेशन एक से लेकर सौ अगर चीजों को मल्टीप्लाई करना है तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू हंड्रेड औरड लिखने की जरूरत नहीं है वी विल सिंपली राइट हंड्रेड फैक्टोरियल मीन मिनिमाइज अवर कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के दौरान हाउ वी टेक डिफरेंट ऑपरेशन लेट एस टेक फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टोरियल नोटेशन यहां हमने दो एग्जाम्पल्स ले रखे हैं दोनों एग्जाम्पल में से पहले में वी हैव टू इवेल्यूएट फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल मतलब सिंप्लीफाई करना है फैक्टोरियल नोटेशन के अलावा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमको लेके आना है तो लेटस ऑल्व फोर फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन माइनस थ्री फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज थ्री इंटू टू इंटू वन सॉल्व इट इसको सॉल्व कर लीजिए इट इज ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स द रिजल्ट इज एटीन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है बड़ा इंटरेस्टिंग बस जरूर तो है नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं कि कोई बड़ी अगर टर्म्स आ जाए तो उस केस में हाउ टू इट कि सिंपलीफाई करना कैसे फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल एक और तरीका बता रहा हूं जी वट वी विल डू वी विल राइट फोर फैक्टोरियल एज फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल ये काम हमने क्यों किया ताकि कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन आ जाए जहां बड़ी नाइनटी नाइन फैक्टोरियल माइनस नाइनटी एट फैक्टोरियल जहां ये चीजें आ जाएगी वहां दिक्कत रहेगी तो वहां सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है वो तरीका आपको बता रहा हूं नाउ थ्री फैक्टोरियल इज कॉमन द रिजल्ट इज फोर माइनस वन इट इज थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल अगर टर्म्स बड़ी हो 98, 99 रहने दो इसको एज इट इज नाइनटी फैक्टोरियल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लेट इट बी एज इट इज अगर बड़ी टर्म्स हो जहां एन की वैल्यू बड़ी हो लेकिन इस केस में यू कैन सिंप्लीफाई थ्री इंटू टू इंटू वन द रिजल्ट इज एटीन ये तरीके हैं सिर्फ किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है फैक्टोरियल नोटेशन का बेसिक कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है लेटेस सी यार सेकेंड क्वेश्चन इसको देखते हैं यही जो कंसेप्ट हमने यहां यूज किया यहां भी काम आने वाला है कि हम कैलकुलेशन में ज्यादा लंबा क्यों जाए हम क्या करते हैं वी विल डू एट फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख लेते हैं कैलकुलेशन सिंपल है एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको हम अगर इस एट इंटू सेवन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं एट एट फैक्टोरियल तो हुआ ही हमने क्या किया क्यों लिखा क्योंकि इसके आने से हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी कैसे इट विल गेट कैंसल ये कैंसल हो जाएगा अब क्या बचा 56 सिक्स डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इज टू इंटू वन फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू द रिजल्ट इज सिमिलरली मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए एक क्वेश्चन 78 एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 77 सेवन फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो यहां पर भी वही काम करना है कि सेवनटी एट फैक्टोरियल को कहां तक लेके आना है सेवनटी सेवन फैक्टोरियल तक तो वो कैसे आएगा वी विल राइट इट एज सेवनटी एट इंटू सेवनटी सेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवेंटी सेवन फैक्टोरियल इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये कैंसर हो गया तो इट इज सेवेंटी एट अपॉन सिक्स एंड वी विल गेट थर्टी नाइन अपॉन थ्री एंड फॉर द थर्टीन इन फैक्ट ये कैलकुलेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चीज हमको मिल जाएगी तो फैक्टोरियल नोटेशंस में जब दो फैक्टोरियल एक दूसरे के बिल्कुल नियरेस्ट नजर आ रहे हैं स्पेशली इन डिवीजन, तो उनको करेंगे कैसे सॉल्व एट फैक्टोरियल को जैसे हमने यहां 6 के नजदीक लाया सेवनटी एट को सेवनटी सेवन नियरर टू द नेक्स्ट नंबर हमको लेके आना है अस एक फ्यू मोर क्वेश्चन अब अगर हमको ये एक्सप्रेशन दे रखा है हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वन अपॉइंट सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन अपॉइंट सेवन फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू वन अपॉइंट एट फैक्टोरियल एक्स अपॉइंट एट फैक्टोरियल मान लीजिए यहां फैक्टोरियल नहीं होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वी हैव टू टेक लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहां पर भी वही काम होना है कि x की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू टेक एल सी एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल अब जब इसका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे सिक्स फैक्टोरियल कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सेवन की कमी है सेवन फैक्टोरियल कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एट की कमी है एंड आवर लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी एट फैक्टोरियल सोलह फैक्टोरियल भी हो सकता है ट्वेंटी फोर फैक्टोरियल भी हो सकता है लेकिन हमको कौन सा लेना कॉमन मल्टीपल हो सकता है वो लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या आएगा वेन वी विल टेक एट फैक्टोरियल फैक्टोरियल well right अब यहां डिनोमिनेटर में सिक्स फैक्टोरियल है दो नंबर्स की कमी है कौन कौन से नंबर्स एट इंटू सेवन क्योंकि डिनोमिनेटर को तो हमने एट फैक्टोरियल मान लिया न्यूमरेटर तो सिक्स फैक्टोरियल ही है तो न्यूमरेटर में जो एक्स्ट्रा नंबर यहां मल्टीप्लाई हुआ है वही मल्टीप्लाई करेंगे एट इंटू सेवन अब यहां सेवन फैक्टोरियल है और यहाँ क्या है एट फैक्टोरियल इसका न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा एट से ये किससे मल्टीप्लाई हुआ एट इंटू सेवन से इसका न्यूमरेटर इसका मल्टीप्लाई हुआ एट से एंड राइट हैंड साइड स्टे एज इट इज तो फैक्टोरियल नोटेशन में जब भी आप एलसीएम निकालेंगे जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा दैट विल बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये चीज याद रखना आपको ठीक है ये कैंसिल हो गया फिफ्टी सिक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई एट फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एट फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू इट इज सिक्स लास्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन इन दो क्वेश्चन में हमको दिया है कि इस चीज को इवेल्यूएट करना है जब एन की वैल्यू नाइन और आर की वैल्यू फाइव मतलब एन और आर की जगह वैल्यूज क्या डालनी है एन की नौ और आर की पांच वट वी विल गेट पुड द वैल्यूज वी विल गेट नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नाइन माइनस फाइव फैक्टोरियल फॉर द सिंपलीफाइड नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल लेटेस्ट कैलकुलेटेड इट इज नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंट फोर फैक्टोरियल तक क्योंकि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी सेवेंटी टू थर्टी इट इज वी कैन कैलकुलेट इट नो प्रॉब्लम इन दैट इसको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत इट इज समथिंग फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ये चीज़ हमको मिल जाएगी किया क्या क्या एन और आर की वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले में परमुटेशन में ये चीज काम आनी है इसके बाद कि ये फार्मूला हम परमुटेशन में कहा यूज करते हैं वी विल सी नेक्स्ट सेगमेंट इसको देख लेंगे हम अगले सेगमेंट में यहां पर n की वैल्यू 9, r की वैल्यू 5 एंड सिंप्लीफाइड हियर यहां पर वही काम करना है n की वैल्यू 7 डालनी है r की वैल्यू थ्री वट गेट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल n की 7, r की थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल ये वैल्यूज डाली तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल सिंप्लीफाइड सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये कैंसिल हो गया ये सिक्स कैंसिल हो गया द रिजल्ट इज थर्टी फाइव सो दिस इज हाउ वी सॉल्व फैक्टोरियल नोटेशन तो इस सेगमेंट में हमने क्या किया कि फैक्टोरियल नोटेशन होती क्या है और फैक्टोरियल नोटेशन एक्चुअल में किसी भी एक्सप्रेशन को सिंपल करने के लिए हम फैक्टोरियल नोटेशन का यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी यूजफुल इन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट